खड़े हुए हैं। आपका बच्चा दे रहा है सर एग्ज़ाम, तो आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हुए डर नहीं लग रहा है? पर क्या कर रहा है, डर लग रहा है तो पेपर एग्ज़ाम तो डर नहीं पड़ेगा, मजबूरी है। मजबूरी है। अभी देख सकते हैं यार, यहाँ पर जेई का सेंटर है और काफ़ी पेरेंट्स से दिखा दीजिए एक बार। ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, कोरोना की खतरे के बावजूद सरकार ऑफलाइन एग्ज़ाम ले रही है। यहाँ पर पेरेंट्स सारे मास्क लगाकर। आपका बच्चा दे रहा है सर एग्ज़ाम, तो आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हुए डर नहीं लग रहा है? पर क्या कर रहा है, डर लग रहा है तो पेपर एग्ज़ाम तो डर नहीं पड़ेगा, मजबूरी है। मजबूरी है। सर आपको क्या लगता है, जैसे ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, सेंटर पर बच्चे बहुत सारे, भीड़ भी है यहाँ पर, तो बच्चों को रिस्क है या ठीक है? ठीक है, अब काफ़ी हद तक जो है काफ़ी सही है। अगर हम अपनी जो है सेफ्टी को प्रोवाइड करें, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज ये सब करते रहें, तो मैं समझता हूँ कि ऑफलाइन भी चाहिए। खतरा नहीं है मतलब? खतरा नहीं। आपका क्या कहना सर? ठीक है सर, ठीक है। बच्चों को, अच्छा बच्ची आई, एक बात कर लेते हैं। हेलो बच्चे, एक मिनट बोलिए। हेलो, ठीक हुआ? हार्ड था, ईजी था, एवरेज ही था। सबसे टफ क्या लगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ? केमिस्ट्री तो ठीक थी, आसान थी। टफ क्या लगा? टफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स वो तो डिपेंड करता है, मतलब दोनों ठीक ही। आपका नाम क्या है? कौस्तुभ। कौन से स्कूल में हो? DPS जी। तो मैथ्स टफ लगा है फिजिक्स? ऐसा कोई ऐसा नहीं था। ठीक है, यस यस। हेलो बच्चे, हेलो हेलो, आपका पेपर था, विच पार्ट वाज मोस्ट डिफिकल्ट? फिजिक्स इस बार इजी आई थी लास्ट ईयर। फिजिक्स इजी आया, फिजिक्स इजी आया। अच्छा सच बता रही हो ना? और मैथ्स कैसा था? लेंदी था। तो कितना स्कोर की उम्मीद है आपको? मुझे अभी देखिए, मैं ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर रही। आई कैन अंडरस्टैंड। आपका जो एग्जाम था, आप तो छोटे लग रहे हो अभी, आपके बच्चे हैं अंदर, तो आपको मैडम, अच्छा बात कर ले। हेलो बच्चे, हेलो 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 हेलो, डरते हैं बच्चे। यस यस यस। आपका एग्जाम कैसा हुआ? ठीक हुआ। सबसे टफ क्या था? सबसे सब ईजी था, पूरा पेपर सब ईजी था। नाम क्या है? अरिन यादव। कितना स्कोर करोगे यादव जी? 150 की उम्मीद है। वेरी गुड वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। यस बेटा, यस यस। कौन सा पार्ट सबसे टफ लगा? फिजिक्स। फिजिक्स, फिजिक्स में किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन है? ऊपर आ जाइए। मॉडर्न फिजिक्स या मैकेनिक्स, क्या लगा आपको? मैकेनिक्स। अच्छा, जो जूनियर बच्चे हैं जो अब एग्जाम देंगे नेक्स्ट, उनको क्या सलाह देना चाहोगी? अच्छे से पढ़ाई करो। NCERT से कुछ आया? थोड़ा बहुत। NCERT कोई फायदा नहीं है, NCERT करना चाहिए पर उससे ज़्यादा भी। और डर लगा कोरोना का? नहीं, नहीं लगा। यस, आपका नाम? रुद्रांश। रुद्रांश जी। आप कौन से स्कूल में हो? कैम्ब्रिज स्कूल इंदिरापुरम। ये हैं रुद्रांश, कैम्ब्रिज स्कूल इंदिरापुरम। और ये आप बताएंगे हमें, कौन सा पार्ट सबसे टफ लगा आपको? टफ फिजिक्स थी, मैथ्स और केमिस्ट्री बहुत आसान थी। फिजिक्स टफेस्ट, मैथ केमिस्ट्री इजी। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जो पढ़ के आया तो उसके लिए ईजी था। उसके लिए ईजी था। कितना स्कोर करने की उम्मीद है आपको रुद्रांश? 180 के करीब तक। तो जनरल कैटेगरी या OBC SC? जनरल कैटेगरी। जनरल। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आपका एग्जाम हुआ? क्वेश्चन पेपर मीडियम था वैसे तो, पर मेरे लिए टफ था। नाम क्या आपका? दिव्यांश। और हमारा चैनल है अनुराग टायागी क्लासेस। थैंक यू। पेपर कैसा लगा? पेपर टफ था, मेरे लिए तो टफ था। आपने कोचिंग करी, अपने आप पढ़ाई करी? अपने आप करी, कोचिंग नहीं करी। और 12th इस साल? 12th। स्कूल में हो? मॉडर्न स्कूल वैशाली। तो बच्चा कह रहा है टफ था, रुद्रांश है हमारे साथ, दिव्यांश सॉरी। और कौन सा पार्ट सबसे टफ लगा? सारे बच्चे आ जाइए प्लीज़, अपनी अपनी सलाह दीजिए हमें। मैथ्स टफ लगा मेरे को। मैथ्स टफ लगा दिव्यांश को। यस बेटा, आ जाइए। आपका नाम क्या है? सुहानी। कैसे हो जाए कैमरे के सामने, इधर आ जाइए। सुहानी हमारे साथ है। सुहानी कौन से स्कूल में हो? जयपुरिया। जयपुरिया। हाँ। मंजू राणा मैम, पेपर कैसा लगा? कंपैरेटिवली इजी था, लाइक मॉक पेपर से अगर कंपेयर करें तो इजी था। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सबसे टफ क्या था? फिजिक्स एक्सपेक्टेड थी मेरे हिसाब से कि काफ़ी टफ आएगी, पर फिजिक्स एक्सपेक्टेडली काफ़ी इजी। इस बार फिजिक्स बच्चे इजी बता रहे हैं ज़्यादातर। सबसे टफ क्या लगा? टफ एज सच हर सब्जेक्ट में। फोड़ दिया इस बार है, मतलब काइंड ऑफ, मतलब ऐसे तो नहीं। कोचिंग करी अपने आप के लिए? जी, फिजी की कोचिंग करी है। और आसान पेपर बता रही, कितना स्कोर कर सकती हो? एक्सपेक्टेड स्कोर तो अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इन सब होती है, तो देखते हैं। भाई आ जाओ, सारे शर्मा मत यार। कल इंटरव्यू दोगे एग्जाम का? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। नाम बताइए। प्रणव त्यागी। त्यागी जी हैं। पेपर कैसा हुआ? ठीक था, मैथ्स बहुत ज़्यादा हार्ड है। कोचिंग करी थी आपने? आपकी कोचिंग थी। पापा हैं? हाँ, शक्ल मिल रही है। अच्छा बताओ, आपको सबसे टफ क्या लगा? मैथ्स। और फिजिक्स? मतलब फिजिक्स इतना नहीं, मैथ्स ज़्यादा लगा। कौन से स्कूल में हो आप? DPS जी। और अब आगे एग्जाम दोगे अगले वाले भी? हाँ। ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी? हाँ, लग रहा है। काम चल जाएगा अभी? नहीं, अभी और करनी पड़ेगी। थैंक यू त्यागी। हमारा चैनल पता है? अनुराग त्यागी, देख लेना वीडियो। क्या नाम बेटा? सर गौरी। गौरी हमारे साथ हैं। गौरी का पेपर कैसा हुआ है? सर अच्छा हुआ। और सबसे टफ क्या लगा? सब ऐसा कुछ टफ तो नहीं था। केमिस्ट्री और मैथ्स मॉडरेट थी, फिजिक्स बहुत ईजी थी। फिजिक्स ईजी आया है, सब बच्चे ही बोल रहे हैं। अजी फिजिक्स ईजी आया है। और NCERT से हेल्प मिली? इधर आई। NCERT केमिस्ट्री तो सारी NCERT से ही थी और फिजिक्स के भी सारे। केमिस्ट्री NCERT से थी, मैं यही कहता हूँ हमेशा। और फिजिक्स के सारे फॉर्मूला भी NCERT वाले। फिजिक्स के सारे फॉर्मूला NCERT, बड़े काम चल जाएगा। आपने कोचिंग करी या खुद से तैयारी करी? सर कोचिंग करी। कौन से स्कूल में आप? DPS जी। DPS मेरठ रोड। गौरी, हमारा चैनल है अनुराग त्यागी क्लासेस। अनुराग त्यागी क्लासेस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो देख लेना 1 घंटे बाद। आप भी आपने दिया एग्जाम? नहीं सर, ये छोटा बच्चा लग रहा है। ठीक है। यस बच्चों, आपने एग्जाम दिया? मेरा नाम हरीश शरण। हरीश, आपकी कैटेगरी क्या है? SC कैटेगरी से। SC कैटेगरी का पहला बच्चा में मिला है। पेपर कैसा लगा? पेपर बहुत इजी था। पेपर मैथ्स में जैसे मैंने कोऑर्डिनेट काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर नहीं करी थी, तो कोऑर्डिनेट के सवाल ठीक ठाक भी आए थे क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं करी थी, तो अच्छे लग रहे थे। और क्वाड्रेटिक का जो भी सवाल आया था वो काफ़ी ठीक था। और केमिस्ट्री तो बहुत ही आसान थी, सारे ज़्यादातर ऑर्गेनिक का पार्ट आया है। आपने कोचिंग करी अपने आप किया? लास्ट ईयर करी थी, लेकिन वो कोचिंग अच्छी नहीं थी। मतलब कहाँ पर करी थी? यहीं राजनगर में। अच्छा, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं नवोदय विद्यालय से हूँ। वेरी गुड। पापा क्या करते हैं आपके? ड्राइवर हैं। पापा ड्राइवर हैं और हमें पूरी वो है कि आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका। मेरा पूरा आशीर्वाद है आपके साथ। और आप अच्छे लड़के लग रहे हो। कहाँ रहते हो आप? सर मैं यहाँ गोविंदपुरम गाजियाबाद। अच्छा, हमारा कोचिंग है अनुराग त्यागी क्लासेस वसुंधरा में। अगर कोई दिक्कत हो कभी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो आप आ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सर मेरे डाउट्स कितने मतलब डाउट्स कैसे क्लियर कर सकते हैं अगर हो सके तो आप? डाउट्स किस सब्जेक्ट में है? तीनों सब्जेक्ट में सर डाउट। तो आप कोचिंग पे आ जाइए, फ्री डाउट्स होंगे आपके लिए। कोचिंग पे आना पड़ेगा? हाँ, कोचिंग पे आना पड़ेगा या ऑनलाइन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अनुराग त्यागी क्लासेस को। ठीक है, मतलब आज ये आपका हो गया। आपका भी पेपर था। और बच्चे खड़े हैं इधर, बात कर लेते हैं। आपने एग्जाम दिया? ये है हमारे साथ भैया, क्या नाम है? सक्षम सिंगल। सक्षम सिंगल जी हमारे साथ हैं। कौन से स्कूल में हो? मैं मेरा थोड़ा ओपन का सीन है, सेंट मैरी। ओपन से पढ़ रहे हैं, पहले सेंट मैरी में थे। अब जो है आपका पेपर कैसा हुआ? पेपर अच्छा गया, जिस हिसाब की तैयारी थी उस हिसाब से गया। अब थोड़ा बहुत हार्ड थी, मैथ हार्ड थी। पेपर सबसे टफ मैथ्स का था? हाँ, कंपैरेटिवली मैथ्स का टफ था। आप कोचिंग कर रहे थे सिंगल सर या अपने आप किया है? कोचिंग कर रहे थे। अच्छा, हमारे चैनल का नाम पता है? नहीं। अनुराग त्यागी क्लासेस, उस पर ये वीडियो आएगी। आने वाले बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे? रिवीजन अच्छे से करें। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे तो फॉर्मूला याद नहीं रहे, उस वजह से क्वेश्चन नहीं हो पाए। तो फॉर्मूले पे ध्यान देना है। मतलब फॉर्मूला। थैंक यू सर। आपका बच्चा कोई है? यस बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब बस वहीं हम जाते हैं, शर्मा रहे हैं। नाम बताइए। सिद्धांत तोमर। सिद्धांत तोमर। तोमर हो के डर रहे हो? आपका नाम? आर्यन। आर्यन, के कौन से स्कूल से हो? मैं विजयनगर, JKG। JKG। और आप? DAV। विजयनगर, DAV। प्रताप विहार। पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर बहुत सही हुआ। सबसे टफ क्या आया? मैथ्स। आपको सबसे टफ क्या लगा? मैथ्स। और फिजिक्स कैसा था? फिजिक्स नॉर्मल था। अच्छा, जो अब बच्चे तैयारी करेंगे आगे, उनको क्या सलाह देना चाहोगे? क्या गलती ना करें? उधर देखिए कैमरे के। मैथ्स में 3D वगैरह थोड़ा सही से करके जाए बस। 3D। और फिजिक्स में? फिजिक्स का कोई आइडिया नहीं है। आप थोड़े से निराश लग रहे हो। अभी 3 चांस हो रहे हैं तुम्हारे पास, कोई डरने की बात नहीं है। फोड़ दो। क्या सलाह दोगे आने वाले बच्चों को? केमिस्ट्री तो NCERT से करें और बाकी मैथ्स में जो वीक हैं वो ज़्यादा टाइम मैथ्स को ना दें, क्योंकि मैथ्स वाकई में टफ आता है। थोड़ा मैथ्स टफ आता है इस बार, मैथ्स बहुत टफ आया है। हाँ, फिजिक्स अच्छा था। फिजिक्स मॉडरेट लेवल था, कुछ मुश्किल नहीं था। मतलब फॉर्मूले बेस्ड, बिल्कुल रेशो वगैरह निकालने वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते, कुछ दिक्कत। हमारे साथ सेंटर मैनेजर भी हैं। सर आप मैनेज कर रहे थे यहाँ पर? आप मैनेज कर रहे थे। आपका शुभ नाम? इमरान खान जी हमारे साथ हैं। सर कैसी आपका एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ाम करवाने का? क्या दिक्कत आई? वेल देखिए अभी हम अभी तक के लगभग RRB कल भी एग्जाम था यहाँ, अभी NTPC था और अभी ये JEE मेंस का चलेगा कंटिन्यूसली 3 डेज। तो मतलब ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है। बच्चे वो भी मतलब एक होता ना थोड़ी सी मतलब जागरूक बच्चों को बना, थोड़ा सा एक होता है फैमिली का प्रेशर समझ लो या मम्मी पापा का प्रेशर समझ लो उस चीज़ को लेके, तो काफ़ी मतलब एजुकेटेड भी है, ऐसा नहीं है। और काफ़ी अभयराज जी हमारे साथ हैं। कौन से स्कूल में हो आप? एमटी इंटरनेशनल स्कूल। और आपके पापा हैं साथ में? अच्छा, इस बार पहला चांस था आपका या दूसरा? पहला चांस है। और आप 12th में भी दे रहे हो, 12th के साथ साथ पेपर दे रहे हो? हाँ। अच्छा अभय, ये बताइए कैमरे के सामने देखिए कि आपको सबसे टफ कौन सा पार्ट लगा? मैथ्स मॉडरेट था, केमिस्ट्री और फिजिक्स से बहुत आसान आया था। मैथ्स बहुत टफ था इस बार? मॉडरेट था, टफ नहीं था, मॉडरेट था। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री। और आप कहाँ रहते हो? गाजियाबाद। कोचिंग करिए, खुद से पढ़ाई करिए? आप कोचिंग की भी हेल्प लिए। कितना फ़र्क पड़ता है कोचिंग का? कोचिंग में नोट्स मिल जाते हैं ऑन द स्पॉट और टीचर्स भी समझा देते हैं और डाउट क्लास तैयार रहती है, तो फ़ायदा ही रहता है। अच्छा, जैसे आजकल यूट्यूब पर हर चीज़ मिल जाती है, नोट्स भी नेट पर मिल जाते हैं, तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं भी पढ़ाता हूँ फिजिक्स, अनुराग त्यागी क्लासेस। तो अब बच्चों को फिर भी कोचिंग की ज़रूरत है? यूट्यूब से काम चल सकता है अगर डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करें तो? डिसिप्लिन से करें तो एक आदमी खुद भी कर सकता है सारा, पर उसके लिए मतलब ज़्यादा एफर्ट लगेगा अपने से, तो यही है बस। इस बार सारे चांस दोगे आप? हाँ, सारे चारों पेपर दोगे? हाँ, सारे टर्म्स। बस बोर्ड वाले का थोड़ा हो सकता है, अगर बोर्ड इंटरफेयर कर रहा हो तो लास्ट वाला नहीं दूंगा। बोर्ड की तैयारी कैसी है आपकी? बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही है, हो गई है लगभग। सबसे टफ क्या लग रहा है बोर्ड के हिसाब से? बोर्ड के हिसाब से तो सारे नॉर्मल से, बस NCERT बार बार रिवाइज करते रहो। स्कूल कौन सा है? एमटी इंटरनेशनल स्कूल। एमटी वसुंधरा? हाँ, वसुंधरा। अच्छा, आप रहते हो गाजियाबाद में, लेकिन कहाँ पर? शिवराज सिंह सिटी। तो जैसे स्कूल, ये जो आपका JEE एग्ज़ाम हुआ, इसमें आपको स्कूल से कितना फ़ायदा मिला? पढ़ाई, स्कूल की जो पढ़ाई हुई? अब केमिस्ट्री तो NCERT से आता है, तो केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा था। मैथ में बेसिक फॉर्मुलाज। ये देखिए बच्चा ये भी कह रहा है कि केमिस्ट्री NCERT से आता है, तो केमिस्ट्री की ट्यूशन की भी जरूरत नहीं है, कोई नोट्स की, केमिस्ट्री पूरा NCERT से आप पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री तो बहुत आसान आया था इस बार। अच्छा, जूनियर्स जो आएंगे बच्चे या जो अगला एग्जाम देंगे, जिन्होंने ये वाला पेपर नहीं दिया, उनको क्या सलाह देना चाहोगे आप? बस स्टार्टिंग की तैयारी करते रहो, कॉन्स्टेंट रहो, हार्डवर्क करो, फल तो मिलेगा ही। और मोबाइल डिस्ट्रक्शन है आपके साथ भी? हाँ, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन तो। हाँ, गेमिंग करते हो? हाँ हाँ, फ्री फायर या क्या? ना, मतलब छोटे। हाँ, दो शौक है आपको? हाँ। और गर्लफ्रेंड है? अरे ये अच्छा, हमारा चैनल है अनुराग त्यागी क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर लेना और देख लेना वीडियो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। तो भाई हमारे साथ एक बच्ची जो भी JEE का एग्जाम देकर आई है। बेटा अपना नाम बताओ। खुशी। खुशी, खुशी, हमारा चैनल है अनुराग त्यागी क्लासेस और उस पर ये वीडियो आएगी। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपका पेपर कैसा हुआ? मेरा पेपर अच्छा हुआ, इनफैक्ट इजी था पेपर, और भी बेटर हो सकता था, बट ड्यू टू लैक ऑफ मतलब पूरा तरह से रिवीजन नहीं हो पाया, प्रैक्टिस की कमी रही। हाँ। और इस बार आप ये मानती हैं कि पेपर JEE का आसान आया? हाँ। अच्छा खुशी, ये बताओ जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सबसे टफ क्या लगा आप? केमिस्ट्री। ओ, केमिस्ट्री लड़कियों को टफ लग रहा है? क्योंकि फिजिक्स जनरली बहुत हार्ड आती है, इस बार बहुत ही ज़्यादा इजी आई, और मैथ्स भी हार्ड ही आती है। मैथ्स मुझे मतलब कंपैरेटिवली केमिस्ट्री मुझे लगी। अच्छा खुशी, ये बताओ जो अभी और 3 अटेम्प्ट बचे हुए हैं, वो आप दोगी? हाँ, तीनों दूंगी। सारे एग्जाम दोगी? हाँ, क्योंकि और बेटर करना है सब में। अब आप क्या चेंज करोगे अपनी प्रिपरेशन में? बस पेपर सॉल्व करना है, रिविजन तो एक बार हो चुका, बस प्रैक्टिस में लाना है रोज़। आप कौन से स्कूल में बच्चे? वो एक काइंड ऑफ डमी स्कूल है। हाँ। आपने कोचिंग करी या अपने आप पढ़ाई करी? कोचिंग। आकाश जाती हो आप JEE के लिए, तो आपको क्या लगता है कोचिंग का कितना फर्क पड़ता है बच्चे की प्रिपरेशन में? कोचिंग का काफ़ी फर्क पड़ता है, बिकॉज दे ब्रिंग यू टू एक ऊपर वाली लेवल पे, नहीं तो स्कूल लेवल के तो नहीं आते हैं JEE में, थोड़ा ऊपर के आते हैं, तो हम फेमिलियर हो जाते हैं उन क्वेश्चन से, नए नहीं लगते कुछ। अच्छा, यूट्यूब पर भी आजकल काफ़ी लेक्चर अवेलेबल हैं, काफ़ी टीचर पढ़ाते हैं, मैं भी यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ फिजिक्स। तो आप ऐसा मानती हो कि या नहीं मानती हो कि अगर कोई बच्चा कोचिंग ना कर पाए पैसे कमी से किसी बात से, तो क्या वो अपनी सेल्फ स्टडी और यूट्यूब की हेल्प से सिलेक्शन हो सकता है उसका? अगर मेरा देखा जाए, मैं आकाश की क्लासेस रेगुलर नहीं कर पाई, तो बाकी बच्चा मैंने यूट्यूब से किया, कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कि ये नहीं कि कभी कर लिया, रोज़ मतलब इतना टाइम देना है तो देना ही है। अब जो जूनियर बच्चे आएंगे, जो भी बच्चे 9th, 10th में, 11th में, अब उनको क्या सलाह दोगी कि वो 11th से क्या गलती ना करें जो आपने करी, या आप चाहोगे कि वो ना करें? रेगुलर रहना चाहिए। अगर आपने एक बार बहुत अच्छे से 11th में चैप्टर्स पढ़ भी लें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो आ गए, मतलब आ भी गए हैं, बट कंसिस्टेंट रिविजन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, नहीं तो आप 12th तक आते आते भूल जाओगे। और प्रैक्टिस पेपर्स। आपके लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या था? डिस्ट्रैक्शन है कुछ डिस्ट्रैक्शन एज सच मेरी तरफ से कुछ नहीं था, बट काफ़ी कुछ चल रहा था। अच्छा ये बताओ, मोबाइल फ़ोन कितना नुकसान करता है? मोबाइल फ़ोन जो गलत तरह से यूज़ कर रहे हो उसके लिए तो नुकसान ही है, बट अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन को भी थोड़ा टाइम दे रहे हैं तो इट डजंट मैटर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। खुशी, आप सिलेक्शन हो जाए इस साल आपका, हमारा पूरा आशीर्वाद। आप बड़ी ईमानदारी से बात करती हो और हमारा चैनल अनुराग टायागी क्लासेस सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।